मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज यूपी में कानून का राज है, अब कोई अपराधी डरा नहीं सकता है, अब कोई माफिया किसी को धमका नहीं सकता है, अब किसी जिले से डर नहीं है। जो यूपी के लिए संकट थे, अब उन पर संकट आ गया है। यूपी में अब दंगे नहीं होते हैं, अब यूपी में विकास का माहौल बन गया है। 2017 से पहले रोज दंगे हुआ करते थे, तमाम बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से कही गई। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। उत्तर प्रदेश 2017 के पहले दो बातों के लिए, यानी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था तो बदतर थी ही, उत्तर प्रदेश दंगों के रूप में कुख्यात था। बहुत सारे जनपद तो ऐसे थे जहां के नाम से लोग डरते थे। आज मित्रों, उत्तर प्रदेश में किसी जनपद के नाम से डरने की आवश्यकता नहीं। जो पहले उत्तर प्रदेश के पहचान के लिए संकट थे, आज स्वयं आप देख रहे होंगे कि उनके लिए स्वयं ही संकट बनता जा रहा है। और इसीलिए मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त कर सकता हूं, उत्तर प्रदेश ने अपनी उस दंगों के लिए, हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था, 2012 से 17 के बीच में 700 से अधिक दंगे उत्तर प्रदेश में हुए थे, 2007 से 2012 के बीच में 264 से अधिक दंगे यूपी में हुए थे। लेकिन 2017 से लेकर 2023 में एक भी दंगा यूपी में नहीं हुआ, एक भी बार कर्फ्यू यूपी में नहीं लगा, उसकी नौबत ही नहीं आने पाएगी। और ये निवेश के लिए और उद्यम स्थापित करने के लिए सबसे अनुकूल अवसर होता है, वह स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है। अब कोई पेशेवर अपराधी और माफिया किसी उद्यमी को फोन से डरा धमका नहीं सकता है, कोई नहीं डरा धमका सकता है। उत्तर प्रदेश आज बेहतरीन कानून व्यवस्था की गारंटी आपको देता ही है, लेकिन जो दो अन्य कलंक यूपी में थे कि जहां से यूपी में घुसो, जहां से सड़कों में गड्ढे दिखाई दें, समझ लो उत्तर प्रदेश की सीमा आ गई है।